दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है। सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास का रिजल्ट आ चुका है और सीबीएसई की वेबसाइट cbseresults.nic.in पर आप इसे जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी बदलाव कह लीजिए या फिर छोटा सा अंतर भी है सीबीएसई ने जो इस साल किया है वो भी है, वो आपको मैं बताता हूँ क्या है। उससे पहले बता दूँ कि जो इस बार का रिजल्ट है वो 5.38% ज़्यादा अच्छा रहा है। इसके अलावा अब आप सभी लोग जबकि सब पास कर चुके हैं 10th और 12th, आपके पास एक मौका है कि आप अच्छे से अपना भविष्य निर्माण कर सकते हैं। और वैसे लॉकडाउन में जो कोचिंग्स हैं वो बंद हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप नीट और आईआईटी जैसी कोचिंग्स के लिए प्रिपेयर करें, इसके लिए आप एक ऑनलाइन वीडियो लेक्चर की तलाश में हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ एक मोशन क्लासेस जो कि कोटा की बहुत फेमस कोचिंग है, उसके वीडियो लेक्चर्स आपको परीक्षा ऐप पर मिलेंगे। और इस ऐप पर अगर आप इसका गोल्ड सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो उसमें आप जानकारी 15 JANKARI 15 कोड यूज़ कर लीजिएगा, इससे आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आईटी नीट की तैयारी करना अच्छे वीडियो लेक्चर्स के जरिए, तो आप इस कोड को यूज़ करके यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा सीबीएसई ने इस बार टॉपर की लिस्ट जारी नहीं की है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो एग्ज़ाम है वो जिस तरीके से हमेशा कंडक्ट कराए जाते हैं वो नहीं हुए हैं। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे रह चुके हैं जो कि उन्होंने रिमेनिंग एग्ज़ाम में हो सकता है वो अच्छा कर सकते थे, लेकिन वो उनको मौका नहीं मिला है। कुछ बच्चों को जनरल प्रमोशन मिला है या मार्क्स उनके पहले के बेसिस पे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक अनफेयर चीज़ भी हो जाती है बच्चों के साथ। इसलिए टॉपर लिस्ट को अभी तो जारी नहीं किया है, अब आगे देखिए अगर करते हैं या नहीं करते हैं। फ़िलहाल यही न्यूज़ थी और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों के अच्छे मार्क्स आएँ।